बच्चों की वैक्सीन करवा के आ रही हूँ। दोनों बच्चों का बचा हुआ था कोरोना के कारण, जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के और जल्दी से गई सुबह सारा काम करके इन लोगों को लेकर। ये बहुत बड़ा सा काम था मेरे लिए और श्रेया का आधार कार्ड भी बन गया था। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आफ्टर सावर। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को रिमाइंडर करवा दिया है, कोरोना की वैक्सीन जब आएगी देखा जाएगा। और जो अभी वैक्सीन बाकी है बच्चों की, जो उनको लगता है बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं जब वो 4 साल के हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, तो वो सब अगर बचा है अपने बच्चों को तो एक बार जरूर लगवा ले। और हाँ, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बुक की जो बहुत ही अमेजिंग है, ऑसम है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, अगर आप गिफ्ट देना चाहती हूँ। और अभी तो सबसे अच्छा टाइम है, अभी विंटर वेकेशन चल रहा है और बाहर भी हमें कम निकलना है क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो ये बुक आराम से हम घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, बाहर ठंड भी बहुत है। मैं ये बात नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन बार बार मैं बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ सच में दिल्ली में बहुत ठंड है और पहली बार मैं इतने ठंडी में, मतलब मैं अभी तक जहाँ भी रही हूँ ना इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, तो मेरे मुंह से निकल जाती है यार। मैं सोचती हूँ नहीं बोलूंगी लेकिन बार बार मैं बोल देती हूँ। और हाँ, बच्चों को पता है कि आपके बच्चे एवरेज है, बहुत पढ़ने में तेज है या क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऐसा सोचना कि हमारे बच्चे टॉपर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लास में हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, सबके सबका माइंड अलग अलग होता है, अलग अलग कैच करते हैं, लेकिन बच्चों को ना लगातार बताते रहना, कुछ नया बताना, नया सिखाना और लगातार प्रैक्टिस, मतलब कि अगर हम 1 घंटे उनको रोज पढ़ा रहे, 2 घंटे रोज पढ़ा रहे तो रोज पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि हम 6 मंथ पढ़ाए उसके बाद छोड़ दिए, फिर अभी मन किया तो पढ़ाए, नहीं ऐसा नहीं, लगातार, मतलब कि धीरे। एक वो जो कहानी सुना है ना आपने, कछुआ और खरगोश वाला, तो बस वैसे ही बच्चे को लगातार पढ़ाइए, लगातार समझाइए और कहीं भी घुमाइए तो उस जगह के बारे में बताइए क्या है कैसा है। और ये बुक अभी देखिए, मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो ये बुक है डीके पिक्चरपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ऑन एवरी पेज। और ये देखिए, ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका फर्स्ट फेज है और इसको, इसका कंटेंट है, इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए ये पेज नंबर 64 तक है और फिर ये नेचर स्टार्ट होता है 154 पेज नंबर तक है और फिर ये ज्योग्राफी है, ये 198 पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्टार्ट होता है यहाँ से और इसकी बुक है ये अमेजोन पे भी मिल जाता है। ये बुक की प्राइस है हार्ड कवर वाली 762 रुपीज़। और ये देखिए, ये है द यूनिवर्स और ये 9 से 12 साल के बच्चों के लिए, मुझे तो लगता है ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये आपके बच्चे सारा तो नहीं देखेंगे, सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसमें से बहुत कुछ नॉलेज है वो जो बहुत गेन करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में अमेजिंग बुक लगती है। इसके पिक्चर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो देखिए, यहाँ है ये प्लैनेट्स अर्थ है, यहाँ ये प्लैनेट्स आर लार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो है ही, ये व्हाट मेक्स अप द यूनिवर्स, ये बहुत ही अच्छा है, द प्लैनेट्स। और ऐसे ही मैं सारे पेजेस को बस आपको दिखाती जाऊंगी, आप देखेंगे कितना रियलिस्टिक और कितना बहुत ही अच्छी बुक है ये बच्चे के लिए और हमारे लिए भी, केमिस्ट्री। और पता है, जब मैं ये बुक लेकर आई ना तो मेरा बेटा घंटों बैठकर, इवन मेरी बेटी भी, द ह्यूमन बॉडी बैठकर वो देखते रहते थे और पढ़ते रहते थे। और अभी भी जब भी ये बुक निकलता है ना तो लगभग ये कार्स, ये देखिए ये कार्स, ये उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट ये है कार्स और ये ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर साइकिल ये सब के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो अभी भी जब भी वो बुक लेकर बैठ जाएंगे ना तो घंटों इस बुक के बारे में दोनों आपस में बातें करते हैं, ट्रेंस, और मुझसे भी पूछते हैं बाइसाइकल्स, और मैं भी उन लोगों को बताती हूँ हाउ लाइफ बिगेन, मीट ईटिंग डायनासोरस। और ये देखिए इंसेक्ट्स, ये ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ इंसेक्ट्स आर द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। क्यों है भाई,
There are greater numbers living in more places than any other type of creature. More than a million insect species have been identified, and there are maybe millions still to discover. और ये देखिए, ये इतने अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छे से पिक्चर के साथ है ये स्नेल्स। सारे पेजेस को मैं दिखाऊंगी और एक वीडियो में कवर करना, मुझे तो लगता है इसके लिए शार्क्स दो वीडियो बनाना चाहिए, मुझे एक में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा ये सब बुक्स ना एम्फीबियंस में मेरे भी फेवरेट हैं। लिजर्ड्स मैं भी बहुत, जब मेरा मन नहीं लगता, मैं टीवी और मोबाइल बहुत कम देखती हूँ। आप लोगों को लगता होगा मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हूँ, लेकिन सच यकीन मानिए मैं बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि एक तो एग्स और मोबाइल देखने से और टीवी देखने से मेरे आईज़ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखिए, बर्ड्स ऑफ प्रे, ये जब भी अनिकेत और श्रेया जब भी बाहर जाते हैं ना, तो वो फेदर उनको मिलता है, तो वो लाकर यहाँ मैच जरूर करते हैं कि ये कौन से बर्ड का है, और ये बोलते हैं मामा ये देखिए ये ऐसा है तो ये इनका है वैसा है। और इस टाइम ना बच्चों का माइंड बहुत बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करता है, हम उनको जितना कुछ नया बताएंगे नया सिखाएंगे वो उतनी ही जल्दी जल्दी कैच करेंगे, और उतना ही जल्दी जल्दी वाइल्ड कैट्स, देखिए ये कैट्स बताया गया है, यानी कि ये बिल्ली के प्रजाति का ये सब है, लायन भी है और ये सब टाइगर वगैरह ये सब मतलब कि कैट के प्रजाति के ही हैं, पता नहीं अभी स्मॉल वाइल्ड कैट्स मतलब बिग कैट्स, हाँ ये सब कैट के ही प्रजाति के आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिग कैट्स, ये है स्मॉल वाइल्ड कैट्स लायन हंट्स। तो मैं भी इसको पूरा अभी नहीं पढ़ी हूँ, इसको पढ़ रही हूँ, बच्चों के साथ ही पढ़ती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ। डॉग्स और ये फॉरेस्ट के बारे में है, ये सवाना वगैरह और ये कोरल रीफ और क्या अर्थक्वेक्स। मुझे मोबाइल पर मैं देख रही हूँ, कभी कभी मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बुक को मैं देख रही हूँ उसके बाद बता रही हूँ। सेपिंग द लैंड अंटार्कटिका और क्या है ये देखिए, ये डांसेस, ये बॉलीवुड डांस और क्या है क्लासिकल डांसेस, फोक डांस, ये इसमें डांसेस का भी दिया। ये देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताया हुआ है, ये जो मेरा बेटा बैठकर घंटों देखता है, अब मुझे समझ आ रही है, और मुझे मुझसे बोलता है मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे लगता है इसको कहाँ से ये सब पता, अब भी मुझे ये लग रहा है कि ये जरूर इस बुक से ही ये देख रहा है और समझ रहा है ये चीज ब्रेड वगैरह के बारे में भी, फूड फिश और फूड के बारे में भी यहाँ बताया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। मीट मीन्स फैशन के बारे में भी बताया हुआ, ये अभी पीछे के पेजेस मैंने अभी नहीं पढ़े हैं। और यहाँ देखिए बेसबॉल और इसका जो कोट होता है उसके बारे में बताया हुआ है, इक्विपमेंट्स के बारे में है, द फील्ड के बारे में भी पूरा बताया हुआ है, पिच स्टाइल पिचिंग और बेस रनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बास्केटबॉल के बारे में यहाँ बताया हुआ है, रैकेट स्पोर्ट्स, फिशिंग, मैजिक मैजिक, ये जो पीछे वाले पेज है ना अभी इनको मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, बस एक बार मैंने देखा तो जरूर है, लेकिन इसको मैंने अभी पढ़ना है और मैं अभी बच्चों के साथ मिलके इसको पढ़ूंगी। ये देखिए ये आ गया हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स, द फर्स्ट ह्यूमंस एंशियंट पेरिस पर्सिया नहीं पेरिस नहीं एंशियंट इजिप्ट एंशियंट रोम, और ये आ गया द मुगल एम्पायर, और ये आ गया द ताज,
और मुझे यहाँ जाना है। अभी अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो एक जगह अभी मैं गई हूँ रेड फोर्ट, आप लोग जरूर देखिए, उसके बारे में मैंने बताया भी है कुछ। और यहाँ भी जाना है, हिस्टोरिकल प्लेस मैं हमेशा घूमती हूँ। अभी तो मेरा रिसेंटली चैनल है, मतलब अभी मैंने चैनल नया बनाया है, तो मैं कहीं जाती हूँ तो उसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं पहले से ही बहुत हिस्टोरिकल प्लेस घूमती हूँ। मेरे फेसबुक पर बहुत सारे पिक्स भी होंगे। ये चाइना वॉल, और ये देखिए है, ये है US प्रेसिडेंट। अब हम आगे हैं, बस ये लगभग ये बुक ख़त्म ही होने वाली है। ये US प्रेसिडेंट्स के बारे में है, ये फर्स्ट कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन, और ये देखिए ये आ गए बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, और यूरोपियन एम्पायर ब्रिटिश वर्ल्ड वार सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ जो मुझे इसमें थोड़ा एक चीज़ ना अच्छा नहीं लगा मुझे रियली। ये बुक इतना मतलब भारी है और इतनी बड़ी बुक है, और जो इसका जो बाइंडिंग है ना, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसको थोड़े और अच्छी तरीके से इसकी बुक की बाइंडिंग करनी चाहिए। और दोनों बच्चे ने देखिए इतना चट कर लिया इतना कि ये पीछे से ना ऐसे खुल गया है। इसको मुझे करना होगा फिर से, अच्छे से बुक को बनानी होगी मुझे, तो मैं इसको बनाऊंगी। और रियली ये बुक बहुत ही अच्छी है, तो आप भी मंगवाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने बच्चे को भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।